हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योग आसन के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्त की भूमियों के बारे में, यानी कि चित्त की अवस्थाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पतंजलि का योग सूत्र क्या है, पतंजलि का इतिहास क्या है, और योग के बारे में हमने बताया कि योग होता क्या है, एक्चुअल में क्या है योग। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा किया है। अगर आपको देखना है इन सभी विषयों पे ये वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, योगा के प्लेलिस्ट वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों योग की अवस्थाएं अलग अलग होती है, और चित्त की जो भूमियां हैं वह सब व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। अलग अलग समय पे अलग अलग भूमियां जो है प्रत्येक व्यक्ति में होता है। दोस्तों वैसे तो चित्त की कई सारी अवस्थाएं होती है, लेकिन योग दर्शन में पांच प्रकार के चित्त बताए गए हैं, यानी कि चित्त की भूमियां बताई गई है। और इन पांच प्रकार की चित्त की भूमियां होने की वजह से ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और उन्हीं प्रवृत्ति के अनुसार वह जीवन यापन करता है। और जब इन प्रवृत्तियों को, इनसे कोई ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली चीज मिलता है, या फिर व्यक्ति कहें या माहौल कहें या फिर वस्तु, जो भी चीजें मिलती है उसी के अनुसार इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बदल जाती है। तो आइए देर ना करते हुए हम बात करते हैं कि वह चित्त की पांच भूमियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों पहला भूमि जो है वह है क्षिप्त भूमि, दूसरा है मूड भूमि, तीसरा है विक्षिप्त भूमि, और चौथा है एकाग्र भूमि, और पांचवा है निरुद्ध भूमि। ये पांच प्रकार की भूमियां ही जो है वह व्यक्ति के अंदर होती है, और समय के बदलाव के कारण, या यूं कहें कि समय का चक्र चलने की वजह से, उनके अंदर इस तरह की अवस्थाएं आती हैं। अब इस तरह की अवस्था आवश्यकताएं क्यों आती हैं? सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जिसके साथ रहता है, उसी के अनुरूप उसका जो चित्त है वह डेवलप होता है। चित्त जो है वह तीन गुणों पर काम करता है, जैसे कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या होता है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ क्षिप्त भूमि के बारे में। पांच भूमियों पे हम बात करेंगे, लेकिन टॉपिक बाय अलग अलग वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षिप्त भूमि के बारे में, जानेंगे कि क्षिप्त भूमि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है और उनका रवैया किस तरह का होता है। तो दोस्तों क्षिप्त भूमि जो है वह रजोगुण प्रधान होता है, और रजोगुण प्रधान होने की वजह से यह भोग विलास वस्तुओं में डूबा रहता है। और सतोगुण और तमोगुण जो तीन दो अवस्थाएं हैं वह जो है वह गौण हो जाता है, यानी कि दब जाता है, यानी कि रजोगुण की प्रधानता की वजह से ये दोनों वृत्तियां जो है वह दब जाती है। चित्त जो है वह जिस स्तर पर रहता है उसी स्तर को हम चित्त भूमि कहते हैं। चित्त भूमि के प्रवृत्ति वाले जो है रजोगुण प्रधानता होने की वजह से वह इंद्रियों के प्रभाव में रहते हैं, और इंद्रियों के प्रभाव की वजह से वह भोग विलास वस्तुओं में डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और अज्ञान में फर्क करना भूल जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भोग विलास को बढ़ावा देने के लिए या इन्हें बरकरार रखने के लिए किस तरह से भोगों को बनाए रखे और किस तरह से काम करे कि यह भोग विलास जो है वह बरकरार रहे। और इन्हीं भोग विलास की वजह से व्यक्ति कोई भी गलत काम करने में पीछे नहीं हटता है, चाहे वह धर्म हो चाहे अधर्म हो। इस अवस्था में व्यक्ति कृत और अकृत दोनों में भेद करना भूल जाता है। आजकल की जो समाज है या युवा पीढ़ी है वह कुछ इसी प्रकार का है, जो कि इन्हीं सब भोग विलास में डूबे रहते हैं और इन्हीं के आकर्षण में वह देखे जाते हैं। क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वह ज़्यादातर जो है वह आकर्षण के केंद्र का बिंदु होते हैं, और वह आकर्षण के पीछे भागते रहते हैं, और भागने की वजह से उनका जो चित्त होता है वह रजोगुण प्रधान हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई सारे ऐसी घटनाओं को अंजाम भी दे देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उन्हें दिक्कत होता है। इस वजह से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह राग, द्वेष, मोह, लोभ, माया में डूबा रहता है। रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इस माया मोह से बंधे रहते हैं, जब तक कि कोई इनसे प्रभावशाली व्यक्ति न मिले जो कि सत्वगुण प्रधान हो। वही व्यक्ति के प्रभाव में आने की वजह से या
अपने रजोगुण प्रवृत्ति को छोड़ पाते हैं। चित्त की यह जो क्षिप्त भूमि है, इन क्षिप्त भूमि के होते आप योग के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि क्षिप्त भूमि जब होती है, जब आपके अंदर रजोगुण प्रधानता होती है, तब आप योग के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। फिर चाहे आप प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए या ध्यान मेडिटेशन कर लीजिए, आप रजोगुण प्रधानता से बाहर नहीं आ पाएंगे। और यह जो प्रधानता है, यह आपको योग मार्ग पे आने नहीं देगी, आपको बेचैन करी रहेगी। जब आप योग साधना में जाएंगे या फिर जब मेडिटेशन करेंगे, उस समय भी आपको यही ख्याल आता रहेगा कि उससे पैसा लेना है, उसको देना है, इसको लेना है, आज ये खरीदना है, आज वो खरीदना है, बंगला का एक कोना टूट गया है, गाड़ी का एक स्क्रैच लग गया है, इसको सही करवाना है, उसको सही करवाना है, और इन्हीं सब चीज़ों में आप उलझे रहेंगे। और इस वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोग आज सुबह सुबह उठते हैं, पार्कों में जाते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और वह ध्यान सिर्फ नकली ध्यान होता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर से जो चित्त है वह रजोगुण प्रधान है, और जब तक रजोगुण प्रधान रहेगा तब तक आप योग नहीं कर सकते हैं। आप प्राणायाम, आसन जो भी कर लीजिए, ध्यान मेडिटेशन चाहे जिस भी अवस्था से कर लीजिए, अब उसको करने के बाद फिर से आप उसी में रत हो जाएंगे, और फाइनली क्या होगा कि आप परेशान रहेंगे। इससे निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो कि सत्वगुण प्रधानता को धारण किए हुए है, जिसके अंदर यह सभी गुण है, जिसके अंदर सत्वगुण है, दयाशील, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह का व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है, या जब इस तरह के व्यक्तियों के बीच में आप जाते हैं और आप जब छोड़ना शुरू करते हैं, और जब आप चाह लेते हैं कि मुझे रजोगुण से बाहर आना है, तब आप सत्वगुण प्रधानता वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। और एक अवस्था आती है जब आप रजोगुण प्रधानता को छोड़ देते हैं, यानी कि क्षिप्त भूमि से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आप सभी भोग विलास की वस्तुओं से धीरे धीरे दूर होते हैं और इनसे अपनी दूरी बना लेते हैं, और ज्ञान और विवेक होने की वजह से इन चीज़ों के प्रति आपके अंदर समझ पैदा हो जाती है। अगर हम समाज में, इतिहास में अगर इन सब चीज़ों के बारे में देखें, या फिर किसी का उदाहरण ले, तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं भगवान वाल्मीकि के बारे में, जिन्हें पूजा जाता है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। तो वाल्मीकि देखिए, जिनका नाम पहले रत्नाकर डाकू था, डाकू की अवस्था को छोड़ करके वह एक सत्वगुणी, एक ऋषि मुनि बने, महात्मा बने, भगवान बने। तो यह धीरे धीरे किसी सत्वगुणी व्यक्ति के प्रभाव में आने की वजह से बने। तो डाकू रत्नाकर के जीवन में नारद मुनि आए, नारद मुनि के आने की वजह से इनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता बढ़ी, और इस वजह से वह आज भगवान है, वाल्मीकि रामायण, यानी कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं बुद्ध के समय का, जो कि अंगुलीमाल डाकू, जो कि बुद्ध जब अंगुलीमाल के जीवन में आए और उन्हें सही राह दिखाए, यानी कि अंगुलीमाल जो था वह तमोगुणी था, और तमोगुणी होने की वजह से उसके अंदर ज्ञान और विवेक नहीं था, लेकिन बुद्ध के आने की वजह से वह एक अच्छा सन्यासी बन सका, और आज अंगुलीमाल डाकू की कहानी जो है वह घर घर और प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होता है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में उदाहरण है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भूमि से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहे वह तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो। ये दोनों ही वृत्ति के जो लोग हैं वह अपनी अपनी अवस्था में, यानी कि आ सकते हैं, यानी सत्वगुण अवस्था में, वो भी किसी व्यक्ति के प्रभाव में आने से, या फिर खुद उस तरह के व्यक्तियों के बीच में बैठने से। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जैसे कहते हैं आईडी, अहम और पराहम, यानी कि आईडी जो है वह तमोगुणी है, और अहम जो है वह रजोगुणी है, और पराहम जो है वह सत्वगुणी है। तो इस तरह से व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझ सकता है, लेकिन फिलहाल हम योग के मार्ग से समझे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से थे क्षिप्त भूमि के कुछ बातें, जो कि आप अपने जीवन में धारण करके आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं और सात्विक जीवन जी सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूढ़ भूमि के बारे में।
जानेंगे कि मूड भूमि के चित्त वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है और उनके लक्षण क्या होते हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।